आज कुकी ट्रिपीट पर नारियल से बनने वाली दो तरीके की मिठाई की रेसिपी शेयर की है। ये केवल नारियल से बनाई हुई मिठाई है, इसमें केवल दो चीजों का यूज हुआ है। तो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी मिठाई है, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। और दूसरी मिठाई हमने बिना मावे के बनाई है, जिसमें बिल्कुल टेस्ट मावे जैसा ही आएगा। तो आज की दो रेसिपी है जो कि नारियल से बनाई हुई है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं पहले वाली मिठाई। तो उसमें हमने डाला है 2 कप डेसिकेटेड नारियल, और इस नारियल को हम 30 सेकेंड तक भून लेंगे। बहुत ज्यादा देर नहीं भूनना है हमें इसे, बहुत हल्का सा इसको गर्म करना है। और हल्की सी खुशबू जब इसमें आने लगती है तभी हमें इसमें चीनी डालनी है। देखिए इस समय पर इसमें बहुत हल्की सी इसकी खुशबू आ रही है नारियल भुनने की। और अब मैंने डाली है इसमें 1 कप चीनी। तो 2 कप मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया था, उसमें 1 कप चीनी डाली है। चीनी को हमें केवल इसमें मिक्स करना है, और गैस का फ्लेम हमने लो किया हुआ है इस समय पर। तो अब जब चीनी इसमें मिक्स हो गई है तो हम इसमें डालेंगे पानी। तो मैंने 1 कप पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके पानी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। इसे डालने से क्या होगा कि एक तो हमारी जो चीनी है उसे घुलने में हेल्प मिलेगी, चीनी थोड़ा सा घुल जाएगी, और दूसरा जो नारियल है उसके अंदर जब चीनी जाएगी तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, सोगी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर पूरा 1 कप पानी डाल दिया है नारियल में। तो हम इसे अभी लो हीट पर ही मिक्स कर रहे हैं, तो धीरे धीरे चीनी घुलने लगेगी। देखिए चीनी घुल गई है, इस समय पर मैं गैस का फ्लेम मीडियम कर लेती हूँ और इसे हम लगातार अभी चलाते रहेंगे, क्योंकि चीनी जब घुल गई है तो जलने का भी डर रहता है थोड़ा सा, कि नारियल पैन में जल ना जाए। तो नारियल इस चाशनी के अंदर बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत ही जूसी हमारी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी लगती है, 10 से 12 दिन आप इसे आराम से रख सकते हैं। तो देखिए इस समय पर मैं यहाँ पर इसमें देख रहे होंगे कि पानी भी थोड़ा सा जल गया है, जो चीनी का बना था, चाशनी बनी थी, अब काफी हद तक जल चुका है। तो मीडियम हीट पर हम इसे अभी लगातार पका रहे हैं। अब इसमें डाला है मैंने 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं, या कोई और फ्लेवर आप देना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो मैं बिल्कुल बिना किसी ड्राई फ्रूट्स के आज ये मिठाई तैयार कर रही हूँ। अब हमें इसे इस तरह से बनाना है कि बिल्कुल ये ड्राई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है, इतना करना है कि जब ये बन जाएगा तो हम इसे चेक करेंगे पैन में लेकर, हाथ में लेकर। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे प्लेट में लिया है, तो ये लिक्विड ही नहीं है, बिल्कुल भी गिर नहीं रहा है। और एक बार हम हाथ में इसकी गोली बनाकर चेक कर लेंगे। हल्का सा जब हम इसे ठंडा करते हैं तो देखिए इस तरह से गोली बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर ये इस तरह गोली बनती है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम अभी गोली थोड़ा सा सॉफ्ट है इसीलिए कुछ सेकेंड इसको चला लेते हैं कढ़ाई में ही मीडियम हीट पर। और उसके बाद हम इसे 2 कलर में बनाने वाले हैं। तो आधा हम इसे व्हाइट पोर्शन निकाल लेंगे और आधा हम इसे कलर डाल लेंगे। तो देखिए इसे बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करेंगे, अगर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है तो हमारी मिठाई नहीं बन पाएगी, इसीलिए हमें थोड़ा सा इसे सॉफ्ट ही रखना है, बहुत ज्यादा ड्राई नहीं रखना है। तो अब हम आधा पोर्शन इसका एक प्लेट में निकाल लेते हैं, जब तक ये थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाता है। और अब हम इसे साइड रख देंगे और जो हमने हाफ पोर्शन छोड़ा है कढ़ाई के अंदर उसमें हम कलर मिक्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर फूड कलर ले रही हूँ 1 चम्मच, ऑरेंज कलर, आप कोई भी कलर इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो जब कलर अच्छे से मिक्स हो जाता है तो हमें इसे भी बहुत ज्यादा देर नहीं पकाना है, इसको भी बस चेक कर लेंगे कि इसकी भी गोली अच्छे से बन जाए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हमारा पक गया तो मिठाई नहीं बन पाएगी, बहुत ड्राई हो जाएगी। अगर बाई चांस आपके साथ ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा पक चुका है, ड्राई हो गया है, तो आप इसमें 2 चम्मच पानी डालकर इसे ठीक कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जब मैंने इसकी गोली तैयार की है तो बन गई है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों मिक्सर को निकाल लिया है। अब जो हमारे पास पहले निकाला हुआ मिक्सर था व्हाइट कलर का, वो हल्का गर्म है, अभी ठंडा नहीं हुआ है और ठंडा नहीं होने देना है हमें उसको। छोटी छोटी सी गोलियां बना लेंगे नींबू से भी छोटे आकार की, जैसे 1/2 छोटा नींबू,
बहुत छोटी छोटी सी इसकी गोलियां बनाकर हम तैयार कर लेंगे, और इसी तरह से जब हम इसकी गोलियां बना लेंगे ना, तो ऑरेंज वाले पोर्शन की भी उसी साइज की गोलियां बनाएंगे। ठंडा हमें कोई भी नहीं करना है, दोनों ही कोकोनट के मिक्सचर को हमें हल्का गर्म में ही गोलियां तैयार करनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों की ही गोलियां तैयार कर ली हैं, ये ऑरेंज है और ये वाइट है। अब हम इसकी मिठाई तैयार करते हैं, तो उसके लिए हमने एक एक गोलियां उठाएंगे। पहले एक वाइट, एक ऑरेंज, एक वाइट और एक ऑरेंज, देखिए इस तरह से। तो अब हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, ये रखा हुआ बिल्कुल एक अच्छा सा फ्लावर बन गया है। अब हम इसको हाथ से इकट्ठा कर लेंगे ताकि ये जो जूसी है ये आपस में चिपक जाएंगी सभी गोलियां। तो इस तरह से हाथ से देखिए, हथेली पर रखकर मैं दिखा देती हूँ, हाथ से बिल्कुल इस तरह इसको बाइंड करते रहेंगे, बिल्कुल लड्डू की तरह हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा जो करेंगे इस तरह से करेंगे कि इसका जो डिजाइन है वो बना रहेगा, गोलियां बिल्कुल मिक्स नहीं होंगी। तो देखिए हाथ से हम इसे जब गोल गोल घुमा रहे हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा सा डिजाइन आ जाता है, देखिए इस तरीके का। केवल दो चीजों से ये बहुत टेस्टी मिठाई बन जाती है, बहुत ही झटपट बन जाती है, बहुत टाइम भी नहीं लगता, बहुत ही कम सामान में आप बहुत टेस्टी मिठाई तैयार कर सकते हैं। बस हमें बिल्कुल ड्राई नहीं करना है दोनों मिक्सचर, हमें थोड़ा सा मीडियम रखने हैं, बहुत लिक्विड भी नहीं रखने हैं, बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं रखने हैं। तो देखिए इस तरह से हम अपनी सारी मिठाई बनाकर तैयार कर लेंगे। कितनी सुंदर लग रही है ये देखने में, और बहुत ही झटपट केवल दो चीजों से आप तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ, इस बार मैं हाथ पे रखकर दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको इसकी मिठाई तैयार करनी है। देखिए इस तरह से सभी गोलियों को हम हाथ से बाइंड कर लेंगे, बिल्कुल आपस में ये चिपक जाती हैं क्योंकि हमने इन्हें चीनी में बनाया। तो देखिए बिल्कुल हाथ से अब हम इसे इस तरह से रोल कर लेंगे। देखिए बन गई ना मिठाई। तो फ्रेंड्स आप इसे तैयार करें। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है ना, तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करें। तो जब सारी मिठाई बन गई है तो मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ, गार्निश कर रही हूँ थोड़े से पिस्ता से, जिससे बहुत ही सुंदर लगेगी। ये खाने में भी टेस्टी है, बहुत ही इजी सी मिठाई है, और जब भी मीठा खाने का मन हो ना तो आप झटपट इस तरह से कोई भी मिठाई तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आप इसे तैयार कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितनी जूसी है, कितनी सॉफ्ट है, देखिए कितनी अच्छे से जूसी मिठाई तैयार हुई है। बस हमें इसे बहुत ड्राई नहीं करना है, देखिए इस तरह से। तो चलिए अब हम तैयार करते हैं अपनी दूसरी रेसिपी, जो बिना मावे के बनाई है, बिल्कुल मावे जैसी बर्फी, कोकोनट की मावे जैसी बर्फी दूध से। तो चलिए तैयार करते हैं आज की हम दूसरी रेसिपी। इसके लिए भी हमने लिया है एक पैन, और पैन में हम डाल रहे हैं एक कप दूध। अगर हम ग्राम में चेक करते हैं तो ये 250 ml दूध है, और हम इसको बॉईल कर लेंगे, दूध को हम उबाल लेंगे। और मैंने जो यहाँ पर दूध यूज किया है वो फुल क्रीम मिल्क है। दूध उबल चुका है देखिए, और अब हम इसे कुछ देर तक बॉईल कर लेंगे, एक दो मिनट तक अच्छे से। और जब ये उबल जाएगा एक दो मिनट तक, फिर हम डाल रहे हैं इसमें एक कप चीनी। एक कप दूध में हमने एक कप चीनी डाली है, और चीनी के घुलने तक हम इसे चला लेंगे। और गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा हुआ है। इसमें भी बहुत कम सामान में बहुत ही झटपट बहुत टेस्टी मिठाई बनके तैयार होती है ये। तो चीनी जब घुल जाती है जब तक, तब तक हम इसे बॉईल कर लेते हैं अच्छे तरह से, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ेगी तो उसका भी पानी इसमें होगा, तो इसीलिए दो तीन मिनट इसको अच्छे से उबाल लिया है। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं एक कप डेसिकेटेड कोकोनट, और उसे हम लगातार चला लेंगे। बिल्कुल अच्छे से कोकोनट को अपने दूध में मिक्स कर लिया है हमने, तो थोड़ा थोड़ा करके दो बार में मैंने इसमें इसको मिक्स किया है। इस मिठाई को बनाने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी कोकोनट की मिठाई बनके तैयार हो जाती है। तो अब हम इसे दो मिनट पकाएंगे अच्छी तरह से, पर हमें ध्यान रखना है लगातार इसको चलाते रहना है। तो देखिए अब हम इसमें डाल रहे हैं आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए, आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं। और अब हम डाल रहे हैं इसमें मिल्क पाउडर एक कप,
थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहाँ पर इसमें मिल्क पाउडर डाला है और उसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम है और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाता है। मिल्क पाउडर डालने से ना इसमें बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट आएगा और बिना मावे भी आप बहुत टेस्टी मिठाई तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 चम्मच देसी घी, जिससे हमारी मिठाई बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। अगर हम 10-15 दिन भी इसको रखते हैं ना तो बिल्कुल हार्ड नहीं होगी, बिल्कुल सॉफ्ट, जैसे हलवाई की मिठाई होती है ना उसी तरह से रहेगी। तो बस अब हम इसे मीडियम हीट पर चलाते रहेंगे जब तक ये जमने वाली कंसिस्टेंसी पर नहीं आ जाता और हमें इसे लगातार चलाते रहना है। तो बहुत ही आसानी से झटपट आप ये 2 तरीके की मिठाई घर पर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं कि आपको मेरी आज की ये दोनों रेसिपी कैसी लगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए यहाँ पर मैं लगातार चला रही हूँ और धीरे धीरे काफी थिक हो चुका है हमारा जो बैटर है, बिल्कुल मावे जैसा टेक्सचर इसमें आ रहा है। और देखिए यहाँ पर अब काफी थिक हो गया है, जमने वाली कंसिस्टेंसी पर आ गया है और जो कॉर्नर्स पर जम जाता है दूध मलाई, उसको हम लगातार छुड़ाते रहेंगे और इसमें मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस समय पर मैंने यहाँ पर अच्छे से थिक हो चुका है, बिल्कुल जमने वाली कंसिस्टेंसी पर है, इकट्ठा हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो अब हमें इसको जमाने के लिए लिया है बटर पेपर और ये इस तरह का एक बॉक्स जो घर पर इजीली मिल जाता है, आप थाली या प्लेट में भी इसको सेट कर सकते हैं। तो बटर पेपर पर मैंने देसी घी लगाया है और इसको हम इस बॉक्स में सेट कर देंगे। तो देखिए बॉक्स हमने सेट कर लिया है, आप किसी थाली में, प्लेट में, किसी भी में ये मिठाई बना सकते हैं। तो अब जो हमारा जो मिठाई का बैटर था वो भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है और अब हम इस बॉक्स में इसको सेट कर देते हैं। हल्का सा टैप करेंगे ताकि बिल्कुल इक्वल हो जाए और अब हम इसे जमने के लिए रख देते हैं 1 घंटे के लिए। आप इसे पंखे में भी रख सकते हैं या फ्रिज में चाहें तो 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रखें तो बहुत ही जल्दी ये सेट हो जाती है। तो देखिए मैंने इसे 1 घंटे फ्रिज बाहर ही छोड़ा था, फ्रिज में नहीं रखा था और पूरी तरह से ये सेट हो गई है, बहुत ही अच्छे से जम गई है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे, आप अपने मनपसंद शेप में इसको काट लें। देखिए बहुत ही अच्छी दानेदार मिठाई बनके तैयार हुई है और बहुत टेस्टी मिठाई बनी है। तो फ्रेंड्स, आप इस दोनों रेसिपी को जरूर ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए झटपट बन गई ना बहुत ही टेस्टी दानेदार मिठाई, बिल्कुल हलवाई जैसी। तो बिना मावे के आप घर पर बहुत आसानी से टेस्टी सी मिठाई कोकोनट की तैयार कर सकते हैं जो बहुत ही टेस्टी है। मैं आपको तोड़कर भी इसको दिखा देती हूँ, कितनी सॉफ्ट है, दानेदार, बिल्कुल लाजवाब मिठाई है। बिल्कुल इसमें मावे वाला टेस्ट आता है और बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए आप ये रेसिपी तैयार कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की नई और इजी रेसिपी के साथ।